हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमके इन्फो एजुकेयर। इस वीडियो में हम लोग डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फारेनहाइट में कन्वर्ट करना सीखेंगे और फिर डिग्री फारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम डिग्री सेल्सियस को डिग्री फारेनहाइट में ही बदलना सीख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिखते हैं, ये 0 डिग्री सेल्सियस में होता है 32 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फारेनहाइट होता है। तो डिग्री सेल्सियस में जब कोई वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसे डिग्री फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि जो डिग्री सेल्सियस का जो वैल्यू है उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9/5 से। ठीक है, और फिर प्लस 32 कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा डिग्री फारेनहाइट में। ठीक है, ये फार्मूला है, ये याद रखना है। ये क्या है, फार्मूला हो गया। अब चलिए कन्वर्ट करके इसको देखते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिखते हैं 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फारेनहाइट होता है कि नहीं, तो 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे 9/5 से। ठीक है, और प्लस ये 32 कर देंगे। अब इसको 0 में जब हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है, और प्लस ये 32, यानी कि 32 अब ये जो वैल्यू आया डिग्री फारेनहाइट में आ गया। तो इस तरह से हुआ। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि ये 100 डिग्री सेल्सियस, ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है बॉयल करने लगता है। ठीक है, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस में कितना डिग्री फारेनहाइट हो जाएगा, इसको हमको कन्वर्ट करके लिखना है डिग्री फारेनहाइट में, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं। जब डिग्री सेल्सियस में जो वैल्यू दिया हुआ है 100, तो इसमें 100 में क्या करेंगे, 9/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और फिर प्लस 32 कर देंगे, तो ये 5 से ये 100 कटेगा 20 बार में। ठीक है, अब ये 20 × 180 हो जाएगा, और प्लस ये 32, यानी क्या हो जाएगा, 180 में 32 प्लस करेंगे तो 2 और 8 × 3 = 11 का 1112, 212 डिग्री फारेनहाइट। तो 100 डिग्री सेल्सियस में कितना हो गया, 212 डिग्री फारेनहाइट। तो इस तरह से हम इस फार्मूला का प्रयोग करके डिग्री सेल्सियस को डिग्री फारेनहाइट में बदल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग डिग्री फारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो कोई वैल्यू अगर डिग्री फारेनहाइट में दिया हुआ है उसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, जो डिग्री फारेनहाइट में जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा, ठीक है, उसमें से हम 32 को माइनस कर देंगे। 32 माइनस करने के बाद हम 5/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे दिया हुआ है एग्जांपल में कि 212 डिग्री फारेनहाइट, अब ये 212 डिग्री फारेनहाइट है, इसे हमको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, तो कैसे करेंगे। तो ये फार्मूला हम लोग जान रहे हैं कि जब डिग्री फारेनहाइट में वैल्यू दिया हुआ है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 32 माइनस कर देंगे, तो 212 में से 32 को माइनस कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5/9 से। ठीक है, तो 212 में से 32 को घटाइए, 2 में से 2 गया 0 और 11 में से 3 जाएगा 8 और ये बचेगा 1, 180 हो जाएगा, और फिर ये मल्टीप्लाई 5/9। अब 9 से ये इसको कैंसिल करेंगे, 9 × 2 = 18, यानी 20 बार में, तो 20 × 5 = 100, 100 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री फारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। चलिए −40 डिग्री फारेनहाइट दिया हुआ है, अब इसका वैल्यू डिग्री सेल्सियस में निकालना है, तो −40 डिग्री फारेनहाइट को बदलना है, तो −40, ठीक है, अब इसमें से हमको
सब्ट्रैक्ट कर देना है 32, 32 सब्ट्रैक्ट करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे 5/9 से। अब क्या हो जाएगा, दोनों माइनस में आ गया तो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, -72 और मल्टीप्लाई 5/9, 9 से ये कट जाएगा 8 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा ये 8 × 5 = 40 यानी कि -40 डिग्री सेल्सियस। तो एक बात यहाँ पे रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कितना कंपटीशन के एग्ज़ाम में SSC MTS सब में पूछ चुका है कि ये -40 डिग्री का जो वैल्यू है वो डिग्री फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में हमेशा सेम होता है। -40 डिग्री फारेनहाइट = -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस = -40 डिग्री फारेनहाइट, मतलब टेम्परेचर का ये जो वैल्यू है -40 डिग्री, ये फारेनहाइट में और डिग्री सेल्सियस में क्या है, सेम वैल्यू आता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद करना है। तो आई होप कि डिग्री सेल्सियस से डिग्री फारेनहाइट और डिग्री फारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में आप लोग कन्वर्ट करना सीख गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।